अकेले कर रही है, थक गए, ये तो पीछे भैंस की तरह सो अब लग रही है बहुत तेज भूख। और हम रुके हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में, ये वो देख रहे सामने वो पहाड़ भाई, हवा बहुत। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम निकल चुके हैं एक और नाइट ट्रिप की ओर। ट्रिप होने वाली है दिल्ली से लैंसी टाउन की, जो कि 235 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंड हो रही है और बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। और मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा कि कैसे कहाँ कहाँ जाना है। वैसे तो हम यहाँ से मेरठ जाएंगे, मेरठ से बिजनौर, बिजनौर से कोटद्वार, कोटद्वार से फिर लैंस डाउन, ऐसे हम ट्रिप पकड़। बाकी हम स्टॉप लेंगे, जो भी स्टॉप लेंगे हम आपको शेयर करेंगे, जहाँ जहाँ रुकेंगे, जो जो एडवेंचर और जो जो हमें नया व्यू दिखेगा हम आपको जरूर दिखाएंगे वीडियो के थ्रू। वीडियो पे बने रहिए, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों 90 किलोमीटर हम चल चुके हैं और फॉग थोड़ा थोड़ा अब कम हो रहा है और उजाला हो रहा है, ये देख सकते हैं सामने। और इस वाले हाईवे पे हमें जाना है, इस वाले हाईवे पे जाएंगे। ये देखो हाथ हिला रहा है, और ये हमारे भाई आशीष, हम तीनों दोस्त आए हैं बहुत सी बेहतरीन ट्रिप पे। तो ये है बिजनौर का बैराज और ये देखिए पानी कितना ऊंचा ऊपर तक आ रखा है। गंगा जी आती है और पहाड़ों से निकलते हुए। अच्छा, ठीक है। जब ये बरसातों में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, उससे छोड़ा जाता है पानी धीरे धीरे करके, जिससे आगे शहरों में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा अच्छा, इसलिए होता है। हाँ, इसलिए होता है। नहीं, कोहरा ऐसे दिख नहीं रहा। इसी स्पीड से चलना पड़ेगा भाई साहब, 20 और 30 की स्पीड। कोहरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी कोहरा ही कोहरा चल रहा है। अभी पहुंचने वाले हैं कोटद्वार और अभी तो रास्ता बहुत खराब मिला यार, लेकिन ग्रीनरी सब भर हुई है, पहाड़ आपको दिखाने वाले हैं। अच्छा, तो दोस्तों हम आ चुके हैं कोटद्वार और यहाँ पे यूपी खत्म होता है। और ये देखिए सामने कोटद्वार का गेट दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कोटद्वार की एंट्री और यूपी यहाँ पे हो गया एंड। और अब करेंगे कोटद्वार में एंट्री। और क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो चुका है, ठंड थोड़ी और ज़्यादा हो चुकी है। चलते हैं आगे के दिखाते हैं नज़ारे, लेट्स गो। पहाड़ों के दर्शन हो चुके हैं हमें, पहाड़ आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़। ये देखिए पहाड़, ये वो देख रहे सामने वो पहाड़ भाई, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। पहाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से हमें लगने वाला है 1 घंटा 10 मिनट। और 36 किलोमीटर मात्र रह गया हमारे होटल के लिए, जो हमने बुक ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं उसे। और मैं आपको भी सजेशन यही दूंगा कि आप भी पहले से ही बुक करके आएँ, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे मोस्टली होटल्स बुक्ड होते हैं ऑलरेडी। ताकि धूप देखिए, वो भी पहाड़ों में आकर धूप गया। दोस्तों दिल्ली NCR में तो धूप का नाम ही नहीं था, कोहरा ही कोहरा था वहाँ पर। कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पहाड़ों पर धूप निकल आई तो बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ आगे हम लोग जा रहे हैं, एक पढ़ने वाला है यहाँ पे, टाइगर रिजर्व की सफारी बुकिंग होती है यहाँ पर। आप चाहें तो टाइगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आगे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। आप रहिए हमारे साथ, आगे दिखाते हैं आपको नए नए नज़ारे। टाइगर रिजर्व देख सकते हो, बड़ा सफारी बुकिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे जंगल सफारी वगैरह कर सकते हैं, जंगल सफारी वाले भैया खड़े हैं सब, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। ये लैंसी टाउन 37 किलोमीटर, कालागढ़ 50 किलोमीटर बोर्ड लगा हुआ था। ओए होए, वो जा रही नदी,
कितनी खूबसूरत लग रही है। ये सूखी पड़ी है, थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ से जा रहा है और ये नदी बनी हुई है पूरी। एक तो फॉग इतना ज़्यादा और ये खूबसूरत नज़ारे धूप के साथ, ये देख कितने खूबसूरत नज़ारे। और ये तुम्हारा भाई। तो दोस्तों 5-6 घंटे हो चुके हैं चलते चलते, अब लग रही है बहुत तेज़ भूख और हम रुके हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है और मेरा दोस्त है वो देख रहा है मेन्यू वगैरह जो खाने का हम ऑर्डर करेंगे, दिखाएंगे आपको। वैसे तो खूबसूरत बना हुआ है ये देखिए पीछे, और ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम पहला स्टॉपेज लिया हमने खाने के लिए, ये है वो फ्लेवर रेस्टोरेंट के नाम से बद्रीनाथ माघ दुगाड़ा, और ये उनका नंबर है। यहाँ पे हमने पहला स्टॉपेज लिया है, वो खड़ी हमारी गाड़ी ठीक है, और वो रहे मेरे दोस्त अभी ऑर्डर डिसाइड कर। दोस्तों स्नैक्स हमारा आ चुका है, ब्रेकफास्ट ही समझ लो इसे, पराठे, ये अच्छा पानी और ये हमारे गिलास, चाय वगैरह भी अभी ऑर्डर कर देंगे। गाइज मेरा वीडियो में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो भी ड्राइविंग कर रहा है जो भी शूट होगा उसमें आपको मेरा कंट्रीब्यूशन भी दिखाई देगा। और जिस रेस्टोरेंट में हम अभी हैं खाना मतलब जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे उसमें देख सकते हैं आप, कैंपिंग भी होती है, नाइट स्टे डे स्टे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे कैंपिंग वगैरह भी करते हैं तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पाँच छः घंटे बाद पहुँचे हम, फर्स्ट हमने ब्रेक लिया है, ये तो सही मिला था लेकिन उसके बाद रास्ता खराब मिला। मैं ये भी कहना चाहूँगा हम लोगों को फॉग के चक्कर में बहुत टाइम लगा, फॉग के चक्कर में तो उससे हमारा एक घंटा बस खराब हुआ। और बाकी देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। हमने ऑर्डर तो दोस्त ने बता ही दिया कि क्या क्या ऑर्डर किया। देख सकते हैं वो रहा सामने नदी बह रही है और छोटा सा झरना आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ऊपर से आ रहा, वो देखिए ऊपर से आ रहा है, वहाँ से ये आ रहा, छोटा सा झरना है। दोस्तों देख सकते हैं ये देवदार के पेड़ कितने लंबे और कितनी हाइट होती है इनकी, देखो ऊपर तक वो इतने लंबे, वहाँ से डाउन से देखिए वहाँ से पूरे वहाँ तक। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ यार दोस्तों, अगर आप दिल्ली NCR से आ रहे हैं या हरियाणा से आ रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं तो गंदगी प्लीज़ मत कीजिए पहाड़ों में, लेकिन लोग यहाँ पे फेंक जाते हैं खा खा के, तो इस प्रकृति नेचर को गंदा मत कीजिए प्लीज़। तो गाइस ये है हमारा फॉरेस्ट व्यू, लेंसडाउन के एकदम क्लोज है, अपने होटल पहुंचने में सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उससे पहले ये एकदम घना फॉरेस्ट। ये एक व्यू पॉइंट है जिस पर काम चल रहा है अभी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हमने चेक इन कर लिया है, हमने 5 बजे चलना चालू किया था दिल्ली से और ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, 2 बजे हमने चेक इन किया है। रास्ते में हमने 3 स्टॉपेज लिए थे बिकॉज फॉग बहुत ज़्यादा था और हमने अंधेरे में ड्राइव किया था, इस वजह से हमें स्टॉपेज लेने पड़े जगह जगह पे। और अभी जस्ट हम पहुँचे हैं और अब बाकी हम नेक्स्ट स्टॉप में आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो।